कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज का मतलब उनसे कोई प्रोडक्ट बनाना या उनको बेचना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड। ये हम पहले कर चुके हैं लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एल्कोहल, वाइन और एसिडिक एसिड यानी कि विनेगर, सिरका, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यीस्ट का वाइन के और एल्कोहल के कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए। जो शराब है वो यीस्ट से भी बनती है। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन फॉर नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बेरली, वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस एक्सेट्रा। ये वाइन और एल्कोहल वगैरह बनाने के लिए जो यीस्ट है उसका प्रोडक्शन नेचुरल शुगर्स पे होता है, क्योंकि जो यीस्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो नेचुरल शुगर पे उसका प्रोडक्शन होता है। अभी हमने ऊपर जो भटूरे वगैरह में यीस्ट डालने का देखा था तो उसमें हमने थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, चीनी ऐड की थी, तो उसको वो खा के ग्रो करता है। ऐसे ही जब एल्कोहल बनाते हैं तो वो नेचुरल शुगर्स को खाता है, तो उसमें हम बेरली, वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस, जैसे कि अंगूर का रस को क्रश कर दिया अंगूरों को, उन सबसे शराब बनाई जाती है। फिर है एक्टिविटी 2.4। टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। एक 500 ml बीकर लो और उसको 3/4 भर दो पानी से, यानी कि 1/4 छोड़ना है बस खाली। डिसॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। अब उसमें 2-3 चम्मच चीनी ऐड कर दो एंड हाफ अ टीस्पून पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, और यीस्ट का पाउडर डाल दो आधा चम्मच उसमें पानी में। कीप इट कवर इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर। उसको एक वार्म प्लेस पे, गुनगुने प्लेस पे रख दो, यानी कि हीट वाले प्लेस पे रखो, गुनगुने यानी कि जहां पे गर्माइश हो, है ना, उस वाली जगह पे रख दो, और 4-5 आवर के लिए रखना है। हाउ स्मेल नाउ, स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? आपको एक स्मेल मिलेगी सॉल्यूशन में, तो वो किस चीज की स्मेल है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। ये एल्कोहल की स्मेल है। क्यों है एल्कोहल की स्मेल? क्योंकि जो शुगर है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। शुगर किस में कन्वर्ट हो गई? एल्कोहल में। किसके थ्रू? यीस्ट के थ्रू, जो यीस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है जिससे शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट होती है यीस्ट नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका आविष्कार लुईस पाश्चर ने किया था 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूज। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, या उसके इंजेक्शन लगाता है या उसके कैप्सूल देता है। एक एंटीबायोटिक जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन, जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर फिलेमिन ने किया था 1929 में। तो उन सब, ये सब चीजें देता है डॉक्टर। क्या देता है? एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेडिसिन जो एंटीबायोटिक कहलाती है, इसके जो सोर्स है यानी वो हमको कहां से मिलती है? वो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganism. ये जो medicines होती हैं, ये बीमारी फैलाने वाले microorganisms को मार देती हैं। इनके अंदर भी microorganism होते हैं antibiotics के अंदर।
और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाते हैं वो बॉडी में होते हैं लोगों की। तो जब डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है उनको, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाई में होते हैं वो उनको मार देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगाई के द्वारा बनाई जाती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो पहले जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो हमने देखी पेनिसिलिन, अभी इन्होंने और नाम भी दिए हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, वो बनाई गई है। फिर है टेट्रासिलिन है। फिर है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन बनाई हुई है। तो ये सभी जो हैं एंटीबायोटिक्स हैं। कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन और एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो फंगाई और बैक्टीरिया की मदद से बनाई गई हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। ये एंटीबायोटिक हैं जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। जैसे अभी हमने देखा कुछ बैक्टीरिया और फंगाई की मदद से ये बनाई गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, टेट्रासिलिन, ये सब बनाई गई। तो ऐसे ही एंटीबायोटिक्स और भी होती हैं और वो दूसरे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाई जाती हैं। ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लोगों के शरीर में आ जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं उनको मारने के काम आती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। लैब में और फैक्ट्रीज में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है और फिर इनकी दवाई बनाई जाती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में, जानवरों में जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए भी जो पशु पक्षी होते हैं उनके चारे के साथ एंटीबायोटिक्स को मिला के खिलाया जाता है। पोल्ट्री फार्म्स में भी, मुर्गी पालन में भी। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। ये बहुत सारे प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल की जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। इफ यू टेक द एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोसेस, इट मे ऑल्सो टेक अ ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। ये बोल रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अपनी ही एडवाइस से नहीं लेनी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ हो गया, आप केमिस्ट के पास जाओ और बोलो कि भाई मेरे को एंटीबायोटिक दे दो, वो दे देगा खाली। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको उसकी डोसेज नहीं पता, हमको ये नहीं पता अभी हमें वो जरूरी है या नहीं। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक में मान लो कि आपने खाली खानी चाहिए थी, उसका कोर्स होता है, उसका कोर्स था 5 दिन का, आपने खाली 3 दिन खाली कि बस अब मैं ठीक हो गया। क्योंकि 3 2 3 दिन में ठीक हो जाते हैं कि 2 3 दिन में ठीक हो गया, अब नहीं खानी। फिर जब आप दोबारा बीमार पड़ोगे कभी, तो आप जब उसको खाओगे तो वो आपको असर नहीं करेगी या कम असर करेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहली बारी में उसका कोर्स पूरा नहीं किया था, तो इसीलिए इनका कोर्स पूरा करना जरूरी होता है। फिर दूसरी बात, आपके बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको तो ये मारती है, साथ में जो अच्छे होते हैं उनको भी मारती है। तो इसीलिए अच्छे वालों को बचाने के लिए भी इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये कॉमन कोल्ड और कोई भी फ्लू हो, यानी कि कोई भी वायरस अटैक हो, तो उसमें ये कुछ भी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये वायरस इसको नहीं मारती, ये बेसिकली बैक्टीरिया उसको मारती है, ठीक है। वायरस इन्फेक्शन को ठीक नहीं करती एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन या वैक्सीन। ये क्या होता है? व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी,
The body produces antibodies to fight the invader. जब किसी की बॉडी में डिसीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर कर जाता है, यानी कि ऐसा माइक्रोब जो बीमारी फैलाता है वो एंटर कर जाता है, तो बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। हमने अभी जो ऊपर पढ़ा वो एंटीबायोटिक था, इस बात का ध्यान देना, दोनों अलग अलग हैं। एंटीबायोटिक का हो गया है, अब एंटीबॉडीज पढ़ रहे हैं हम। हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो कोई भी इन्वेडर आया होता है उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए। इन्वेडर मतलब बाहर से आया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आ जाता है, हमारी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और उससे लड़ती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। हमारी बॉडी को यह भी पता है कि उसी टाइप का, उसी सेम टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर दोबारा आए तो हमारी बॉडी को यह पता है कि दोबारा उससे कैसे निमटना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। जब किसी की बॉडी में मरे हुए किसी कोई बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, अगर मरे हुए डाले जाएं या फिर वीकेंड डाले जाएं, यानी कि जो वीक हो, है ना, जिनमें शक्ति कम हो, ऐसे डाले जाएं, तो हमारी बॉडी आसानी से उसके ऊपर विजय प्राप्त करती है ना, उसको मार देती है और फाइट करके एंटीबॉडीज बना के उनको मार देती है। तो जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है ना, वो किसके खिलाफ बनाती है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो बाहर से आए होते हैं लेकिन वो वीक होते हैं और वो या तो मरे हुए होते हैं, उनके खिलाफ बनाती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, और ये ना बचपन में ही बनता है, ये बड़े होके नहीं होता। तो डॉक्टर क्या करते हैं, मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बच्चों की बॉडी में डाल देते हैं, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो डाल देते हैं, डालने के बाद बॉडी फटाफट से एंटीबॉडीज बनाती है और उनको मार देती है। वो तो पहले ही मरे हुए होते हैं या वीक होते हैं, तो फिर भी उनको खत्म कर देती है आके। तो अब बॉडी को पता चल जाता है कि इन इस टाइप के, स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया से कैसे लड़ना है, इसको कैसे हराना है। तो फिर बड़े होके अगर वो बीमारी किसी इंसान में आती है तो बॉडी को याद रहता है कि मैंने पिछली बार इसको कैसे हराया था, कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की थी, तो बॉडी फिर से वही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है। तो इसीलिए बचपन में इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी होता है बच्चों को कि भाई ये बीमारियां तुम्हें हो सकती हैं। तो वो इंट्रोडक्शन कैसे कराते हैं, बॉडी में इंजेक्शन लगा के। आप लोगों ने देखा होगा बीसीजी के इंजेक्शन लगते हैं, पल्स पोलियो ओरल वैक्सीनेशन होता है, मूवमेंट जो पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं ना, वो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पोलियो के। तो एक बार पता चल जाता है बच्चों को, बच्चों इसीलिए तो बच्चों को ही पिलाते हैं, बड़ों को नहीं पिलाते। तो एक बार बच्चों को पता चल जाता है कि भाई हमारी, मतलब बच्चों की बॉडी को पता चल जाता है कि भाई ऐसे हराना है इसको पोलियो को, फिर अगर भविष्य में बड़े होके कभी उनको वो होगा तो फटाफट बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज तैयार कर लेगी और उस वायरस को, उसके बैक्टीरिया को हरा देगी। समझ आया? तो ये काम होता है एंटीबॉडीज का। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. Vaccination se itni sari bimariyan prevent ki jati hain, bachai jati hain. In our childhood you must have been given injections to protect yourself from several diseases. अपने अपने चाइल्डहुड में सभी को ऐसे इंजेक्शन लगे होते हैं, कार्ड बना होता है बच्चों का, है ना, इंजेक्शन वाला, तो उसके ऊपर डॉक्टर स्टिक लगा देते हैं कि ये इंजेक्शन लग चुके हैं इनको, तो ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। एक्चुअली में वो इंजेक्शन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरे हुए होते हैं या फिर वीक होते हैं, तो बॉडी को एक बार पता चल जाता है। फिर डॉक्टर ये भी कहता है कि इस ये इंजेक्शन लगाने के बाद इस बच्चे को कुछ दिन के लिए बुखार आएगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बुखार क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किए होते हैं, फिर उनकी बच्चों की बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भविष्य में, यानी कि इन फ्यूचर,
कभी भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और जो वीक भी नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी को पता होता है कि कैसे बनानी है उस एक स्पेसिफिक बीमारी की एंटीबॉडीज, तो वो बना देती है और उनसे लड़ लेती है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। इन डिजीज से प्रोटेक्ट करना सभी बच्चों को जरूरी है। Necessary vaccination are available in the nearby hospital. Hospitals में vaccination available होता है. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. जो polio drop बच्चों के मुंह में पिलाई जाती है वो एक vaccine है. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most of the parts of the world. ये eradicate हो गई है। eradicate होने का ये मतलब है खत्म हो गई है पोलियो ज्यादातर दुनिया के हिस्सों से। कुछ हिस्सों में अभी भी है तो वहां वैक्सीनेशन जारी है। These vaccines are made on the large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल जो वैक्सीनेशन है microorganism वाली वो humans को तो दी ही जाती है, साथ में animals को भी दी जाती है। Next जो use है microorganism का वो है increasing soil fertility। जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को बढ़ा देती है, उसकी fertility को बढ़ा देती है। उसकी फर्टिलिटी बढ़ने का ये मतलब है मिट्टी की, जो मिट्टी पौधों को अच्छे से पोषण दे, अच्छे से पौधे पैदा हों, उसमें प्लांट्स पैदा हों, उस क्वालिटी को बढ़ा देती है मिट्टी की। क्या बढ़ा देती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा देता है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ये केपेबल होते हैं। क्या करने में केपेबल होते हैं? सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने में। जो नाइट्रोजन होती है वो एयर में होती है। अब एयर से वो नाइट्रोजन सॉइल तक आनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी नाइट्रोजन से प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं, तो सॉइल तक आनी वो नाइट्रोजन जरूरी है। इसी वजह से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। उनका नाम राइजोबियम है। वो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया, और भी होते हैं, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया विशेष, वो एयर से नाइट्रोजन लेके उसको मिट्टी में जो प्लांट्स की रूट होती है उस पर फिक्स कर देता है। तो उस नाइट्रोजन को प्लांट्स ले लेते हैं और उससे प्रोटीन बना लेते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होता है। दी और इसी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है ना? फिर है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को साफ करना, ये ऊपर आपको एक बैक्टीरिया की फोटो दे रखी है और ब्लू ग्रीन एल्गी की दे रखी है फोटो। ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। किसमें फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन को किसमें फिक्स करते हैं? सॉइल में फिक्स करते हैं, प्लांट्स के रूट्स में फिक्स करते हैं। कहां से? एटमॉस्फेयर से, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो। इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, है ना, और राइजोबियम। फिर है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का साफ करना, को साफ करना। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलोंग विद देयर फ्रेंड्स। दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन। दे पुट देम इनटू पिट मीन टू वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम
It decomposed and got converted into manure. Bhujo and Paheli wanted to know how this had happened. Bhujo और Paheli ने स्कूल के गार्डनर को देखा, वो मैन्योर बनाता है। कैसे मैन्योर बनाता है? वैसे ही उन्होंने भी बनाया। उन्होंने आसपास के इलाके से, स्कूल, घर से, नेबरहुड से, जो भी ऑर्गेनिक चीजें थी, वेस्ट था ऑर्गेनिक, जैसे कि पत्ते, फूल, सड़ी हुई सब्जियां या फिर छिलके, इन सबको इकट्ठा किया, एक छोटा सा गड्ढा किया, गड्ढे के अंदर डाला, गड्ढा बंद कर दिया, गड्ढा खोल के देखा तो वो मैन्योर बन गया था। तो उनको लगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि मैन्योर बन गया। तो एक्टिविटी 2.5 से पता चलेगा। टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। दो पॉट्स लो, दोनों पॉट्स को आधा सॉइल से भर दो, है ना। एक मिनट, दोनों पॉट्स को आधा सॉइल से भर दो। मार्क ए एंड बी। पॉट नंबर वन पे मार्क कर दो ए, पॉट नंबर बी पे मार्क कर दो बी। पॉट मतलब कोई भी गमला हो सकता है, कोई भी मर्तबान, कोई बर्तन वगैरह, कोई भी हो सकता है। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथिन, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक इन पॉट बी। पॉट ए में तो पौधों से संबंधित चीजें डालो, वेस्ट प्रोडक्ट जो अभी मैं पहले बताए थे, और पॉट बी में प्लास्टिक डालो, कांच डालो, ये सब डालो। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक, 3 से 4 हफ्तों बाद उसको ऑब्जर्व करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू पॉट्स? क्या दोनों पॉट के कंटेंट में आपको कोई डिफरेंस मिला? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मिला तो क्या मिला? यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैव बीन डिकम्पोज्ड। आप देखोगे कि पॉट ए में जो प्लांट वेस्ट है वो डिकम्पोज हो गया है। हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे हुआ है? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के एक्शन द्वारा जो पॉट ए में प्लांट वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जो न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गया है यानी सड़ गया है, सड़ने के बाद मैन्योर बन गया है, तो जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, किनके अंदर? जो प्लांट बेस्ड था उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो दोबारा मिट्टी में मिल जाएंगे। डिकम्पोजर्स ने क्या किया है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे यानी जो प्लांट बेस्ड था उसको वापस सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जो मिट्टी में मिल सके, और मिट्टी में मिलने के बाद प्लांट्स उसको दोबारा यूटिलाइज कर सके, फिर से यूज कर सके अगेन। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलिथिन बैग, एम्प्टी ग्लासेस बॉटल एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज? क्या आपने देखा जो बी में है, पॉट बी में चीजें वो नहीं बदली, वो वैसी की वैसी रही, उसमें पॉलिथिन था, कांच था, ये सब, ये नहीं बदला, ये इसको डिकम्पोज नहीं किया गया। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए और उनको बदल नहीं पाए। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर ग्राउंड पे देखे होंगे, मरे हुए जानवर देखे होंगे, सड़ते हुए पत्ते देखे होंगे, बदबू आ रही होती है उनमें से, सड़ा हुआ खाना देखा होगा, है ना। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। आप देखते हो कि कुछ समय में वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो? दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो उनपे एक्ट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज करते हैं खाने को या ऑर्गेनिक मैटर को, उनको कहा जाता है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स उन पे एक्ट करते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दी सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब्सटेंस बाकी के प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby cleaning up the environment. तो इसीलिए जो microorganisms हैं वो सड़े हुए substance को हटाते हैं
एनवायरनमेंट से, तो वो एनवायरनमेंट को साफ भी रखते हैं और साथ में मिट्टी को दोबारा से पोषण भी देते हैं, है ना। फिर है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको हानि पहुंचाते हैं, सबको हानि पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से हार्मफुल है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? पैथोजन। तो अभी जो कोरोना वायरस है COVID-19, वो भी क्या है? एक पैथोजन है, क्योंकि वो लोगों को हार्म पहुंचा रहा है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना खराब कर देते हैं, जैसे दूध फाड़ देते हैं, ये सब, है ना। कुछ क्लोथ्स को खराब कर देते हैं, कुछ लेदर को खराब कर देते हैं, तो ये सभी डिसीज कॉजिंग माइक्रो, ये सभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हम पढ़ेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर एंड थ्रू एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में हवा से आ सकते हैं, पानी से आ सकते हैं, और जो खाना लोग खाते हैं उससे आ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल्स। ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से ही बीमारी है, उसके संपर्क में आने से भी आ सकते हैं और किसी जानवर के संपर्क में आने से भी आ सकते हैं अगर वो बीमार है तो। माइक्रोबियल डिजीज डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर एंड फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी माइक्रोबियल बीमारियां जो या तो खाने से फैलती हैं, क्योंकि खाने में भी हो सकते हैं वो, हवा से फैलती है, हवा में भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं, पानी से फैलती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं, तुमने हाथ मिलाया, तुम गले मिले, तुम रोए, तुम हंसे, उन सब से भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसी बीमारियों को कॉम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, है ना, COVID-19, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो आगे का हम बाद में पढ़ेंगे, आज यहीं तक। नमस्कार।